हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे आपके 11th का बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे आज हम सेल बायो यानी कि कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, इसके खोज के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके क्या कार्य हैं, क्या इसकी महत्व है और ये सब हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के अंदर। सेल बायोलॉजी में सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। सेल की स्टडी, सेल के कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसके अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, आप 9th 10th में पढ़ के आ चुके हैं, बेसिक्स पढ़ के आ चुके हैं कि क्या होता है सेल, किसने किया है डिस्कवर, ये सब आपने छोटा मोटा पढ़ के आ गए हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा फिर से पीछे चलते हैं और हम देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे। बता सकता है कोई, रिकॉल करिए कि सेल की खोज करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। अगर आपको याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो मैं बता देती हूँ, इसकी खोज करने वाले थे रॉबर्ट हुक। इसकी खोज करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, और ये रॉबर्ट हुक जो थे इन्होंने सबसे पहले किसके अंदर देखा था, प्लांट्स के अंदर, प्लांट कोशिका यानी कि पादप कोशिका के अंदर इन्होंने देखा था सबसे पहले प्लांट, पादप कोशिका को इन्होंने सबसे पहले देखा था। और वो जो कोशिका उन्होंने देखी थी प्लांट की, वो कैसी थी, वो थी कुछ इस प्रकार की संरचना, मधुमक्खी के छत्ते के समान उन्होंने कुछ संरचना देखी थी और इन्होंने इसको नाम दिया था, एक छोटे रूम जैसे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे रूम्स होते हैं, एक ब्लॉक्स होते हैं, उनको उन्होंने नाम दिया था सेल, नाम दिया था। ठीक है, ये जो कोशिका थी, ये बाद में मालूम पड़ा कि ये जो कोशिका थी ये कैसी थी, जीवित नहीं थी, अजीवित कोशिका थी। ये कोशिका जो थी प्लांट की छाल की कोशिका थी जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। लिविंग सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर करने वाले व्यक्ति थे, लिविंग सेल को, जीवित कोशिका को सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति कौन थे, जीवित कोशिका का की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज की थी एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा। किसने की थी, एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इन्होंने बताया सेल के बारे में और ये कहा कि जो सेल है, कोशिका जो है, वो एक झिल्ली द्वारा घिरी हुई रहती है जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, और इसे उन्होंने नाम दिया था कोशिका। तो जीवित कोशिका की अगर बात की जाए तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति थे ल्यूवेनहॉक। और जो सबसे पहले जिसने कोशिका की खोज की थी वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, तो यहां पर तो ये बात हो गई रॉबर्ट हुक एंड एवी ल्यूवेनहॉक। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था उनका, रॉबर्ट ब्राउन। और ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। इन्होंने केंद्रक के बारे में बताया, इन्होंने क्या बताया, केंद्रक के बारे में बताया। ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक सा हमारा क्या है, हिस्ट्री है। इस हिस्ट्री में आपको कुछ एक नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। आपको कोई पूछा जाए कि सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे रॉबर्ट हुक, और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, वो थे ल्यूवेनहॉक थे। ठीक है, इन्होंने फ्रेश वाटर एनिमल के को स्टडी किया था, एनिमल को सेल को स्टडी किया था। और रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने किसकी स्टडी की थी, उन्होंने की थी केंद्रक की। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी। अब सेल के डेफिनेशन के बारे में कि सेल क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करें कि सेल क्या है। सेल के बारे में हम जानते हैं कि सेल क्या है, एक संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है सभी जीवित प्राणियों की। जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो एनिमल्स हों चाहे वो प्लांट्स हों, वो सभी के सभी एक बेसिक यूनिट से बने हुए होते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। और अगर हम इसे परिभाषित किसी शब्द सेंटेंस में लिखना हो तो हम उसे क्या कहेंगे कि सेल जो है वो क्या है, कोशिका संरचनात्मक वह कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, तो कोशिका क्या है, संरचनात्मक वह कार्यात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, किसी भी जीव की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। और ऐसा हम क्यों कहते हैं कि कोशिका जो है संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम पढ़ते आ रहे हैं, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई हम उसे क्यों कह रहे हैं। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि यही क्या बनाता है, शारीरिक संगठन, खूब सारी कोशिकाएं मिलकर एक क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू यानी कि उत्तक बनाती है, और उप टिश्यूज मिलकर अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन दो, एक दो या दो से अधिक ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, अंग ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं यानी कि अंग तंत्र। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, एक पूरे शरीर का ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। सो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई कहते हैं। और इसे कार्यात्मक इकाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो कोशिका है ये सारे ही जीवित रहने के लिए जितने भी आवश्यक कार्य जो करने होते हैं ये सभी कार्य करने में क्या होती है, सक्षम होती है, है ना। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती है, यही एनर्जी प्रोवाइड करती है, यही एक्सक्रीशन का भी काम करती है, यही रेस्पिरेशन का भी काम करती है। तो कुल मिलाकर के ये क्या करती है, सारे काम को करती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक सा हो गया। अब हम चलते हैं आगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। यानी कि सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था श्लाइगेन, 1938 में 1938, और वेशवान। ये जो दोनों व्यक्ति थे इन्होंने अलग अलग अपने अपने फील्ड में, श्लाइगेन जो थे वो क्या थे, पादप वैज्ञानिक थे, और श्वान जो थे वो क्या थे, जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने ही अपने ही अपने फील्ड के अनुसार इन्होंने कोशिका का अध्ययन किया और इन दोनों ने मिलकर के एक थ्योरी बनाई जिसको हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत या फिर सेल थ्योरी जिसको हम कहते हैं। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी किससे बने हुए रहते हैं, वो सभी के सभी कोशिकाओं के द्वारा बने हुए रहते हैं। जितनी भी जीव हैं वो सब किससे बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। साथ ही साथ कोशिका जो है, और इसी कोशिका को उन्होंने क्या कहा, संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कहा। ठीक है, तो ये दोनों ने बताया कि कोशिका
कोशिका क्या है, लेकिन ये इस संबंध में नहीं बता पाए कि कोशिका की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। इन्होंने ये तो बता दिया कि सभी जीव किससे मिलकर बने हुए होते हैं, कोशिका से बने हुए रहते हैं, उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है, कोशिका है, ठीक है। और ये लेकिन ये नहीं बता पाए कि जो कोशिका है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो एक और वैज्ञानिक आए, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। उनका क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने बताया कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती है। इन्होंने क्या बताया कि कोशिका जो है वो क्या होती है, विभाजित होती है। क्या होती है, विभाजित होती है और नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। और इन्होंने ये भी कहा कि कोशिका जो है वो पूर्व में ही कोई कोशिका है, उसी कोशिका से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। कोशिका जो है पूर्व स्थित कोशिका से या फिर निर्मित होती है या फिर उसकी उत्पत्ति होती है। तो इसका क्या मतलब है कि कोशिका ही दूसरी कोशिका बना सकती है, इसके बारे में स्लाइडर एंड चान नहीं बता पाए। इसीलिए रुडोल्फ विर्चो ने इनकी इस थ्योरी को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया और उसको नया नाम दिया, सेल थ्योरी नाम दिया। और इन्होंने इन दो स्टेटमेंट के साथ ये तीसरा भी जोड़ दिया कि कोशिका विभाजित होती है, साथ ही साथ कोशिका जो है पूर्व स्थित कोशिका से ही निर्मित होती है, ठीक है। तो ये था कोशिका सिद्धांत, जिसके बारे में आपको तीन साइंटिस्ट के नाम याद रखने हैं, श्लाइडर एंड स्वान, जो कि सबसे पहले जिन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया, फिर आए रुडोल्फ विर्चो जिन्होंने ये बताया कि कोशिका की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कोशिका की अगर हम बात करें तो कोशिका का आकार और उसका आमाप, कोशिका का आकार कैसा होता है, शेप एंड साइज, उसका शेप एंड साइज क्या होगा, ठीक है। किस प्रकार की होती है कोशिकाओं की आकृति या फिर उनका आकार। अगर हम उनकी साइज की बात करें तो कोशिकाओं की साइज जो है वो सभी अलग अलग जीवों में अलग अलग साइज को देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सभी जीवों में एक ही प्रकार की, एक ही तरह से एक ही साइज की कोशिकाएं मिली हैं। जैसे कि अलग अलग जीवों में अलग अलग साइज की मिलेंगी, उसी तरह एक ही जीव के अंदर अलग अलग साइज की, अलग अलग आकार की भी कोशिकाएं मिलती हैं। ये निर्भर करता है कि वो किस प्रकार के फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। सो आकार और उनका साइज जो है वो वेरी होता है, यानी भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। सो अगर हम बात करें साइज की बात करें तो सबसे छोटा साइज जो है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, कोई बता सकता है, रिकॉल करिए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी हो सकती है, पीपीएलओ। पीपीएलओ का नाम क्या है, प्लूरो निमोनिया। लाइक यानी कि सम, उनके जैसा जी, ठीक है। ऑर्गेनिज्म प्लूरो, ओ का मतलब है ऑर्गेनिज्म, जिसको हम हिंदी में लिखते हैं जी। क्या है, प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये क्या है, पीपीएलओ, जिसका साइज जो होता है इसी के अंदर। पीपीएलओ एक प्रकार का ग्रुप है, इनका साइज जो होता है 0.1 से 0.4 तक का इनका साइज होता है, वो भी माइक्रोमीटर्स के अंदर होता है, ठीक है। और इसकी सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो इसके अंदर आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका है और उसका साइज होता है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो ये है सबसे छोटी
छोटी कोशिका। अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी बच्चों? ऑस्ट्रिच एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, उसके अंडे, ऑस्ट्रिच का अंडा जो है वो क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। अगर हम उसका व्यास देखें तो उसका व्यास होता है लगभग 15 सेंटीमीटर, उसका क्या होता है, व्यास होता है। और अगर हम सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी, सबसे लंबी कोशिका की अगर हम बात करें, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है बच्चों? न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका। ये जो कोशिका है सबसे लंबी कोशिका हो सकती है, और वो भी कौन सी होगी, कितने मीटर, कितने क्या हो सकता है, आप सोच सकते हैं, यहां पर तो माइक्रोमीटर सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तंत्रिका कोशिका जो कि सबसे लंबी कोशिका हो सकती है, उसका अधिकतम मान क्या हो सकता है, वो है 1 मीटर, अप टू 1 मीटर तक का उसका साइज हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 1 मीटर से ज्यादा नहीं होगा। 1 मीटर के ज्यादा, 1 मीटर वाली जो तंत्रिका कोशिका होगी वो क्या होगी, वो आपके बैकबोन से लेके नीचे पैर तक की जो कोशिका होगी, तंत्रिका कोशिका होगी, वो कौन सी, कितने मीटर की होगी, 1 मीटर तक की हो सकती है। तो ये है उसके साइज के बारे में भी, इन इन प्रकार से साइज आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत सारी जरूरी नहीं है, ये तो हमने एक पढ़ा है कि सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। आजकल इतने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, जनरल साइंस में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, लंबी कौन सी है कोशिका, ठीक है। अब अगर मैं आकार की बात करूँ, शेप की बात करूँ, तो शेप मैंने आपको बताया इसके निर्भर करता है उसके कार्य पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार का कार्य करती है। जैसे कि तंत्रिका तंत्र जो होती है, वो तंत्रिका कोशिका जो है वो कैसी होती है, लंबी होती है। कैसी होती है, तो लंबी होती है। कुछ कोशिका कैसी होती है, बेलनाकार होती है, कुछ घनाकार होती है, ये स्तंभाकार है, कुछ ऐसी घनाकार हो सकती है, कुछ कैसी हो सकती है, बहुभुजी हो सकती है, ठीक है, और कुछ कस्तरीय जैसी भी हो सकती है, गोल हो सकती है, ठीक है, अवतल जैसी हो सकती है, जैसे कि आरबीसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे आकार होते हैं जो कि निर्भर करता है उसके कार्य के अनुसार। कार्य जैसा होगा कोशिका का, उसी के अनुसार उसका क्या होगा, शेप होगा। तो ये था जनरल, हमने पढ़ लिया कि उसके शेप, उसके साइज और कोशिका सिद्धांत के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि कोशिका जो है, कोशिका के नंबर यानी कि उसकी संख्या के आधार पर कोशिका को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। कोशिका के नंबर के आधार पर, कोशिका की संख्या के आधार पर कोशिका के प्रकार क्या होंगे, कोशिका के प्रकार संख्या के आधार पर, जैसे एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब क्या है, ऐसे जीव जो कि जिनका शारीरिक संगठन है वो सिर्फ एक कोशिका से ही बना हुआ हो, यानी कि वो एक कोशिका ही पूरे शरीर के जैसी ही भांति ही काम करती हो, तो हम उसे कहते हैं एक कोशिकीय। इसका उदाहरण क्या हो सकता है, इसका उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया। क्या है, बैक्टीरिया जो है एक कोशिकीय है। इसकी संरचना अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसी बेलनाकार सी होती है ना, और ये इसकी कोशिका झिल्ली है। इसके बाहर क्या स्थित होती है, इसके बाहर कोशिका सेल वॉल, कोशिका भित्ति स्थित होती है,
और उस भित्ति का नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ये सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक प्रकार का न्यूक्लियोइड उपस्थित होता है जिसको डीएनए कहते हैं। नग्न अवस्था में होता है क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्र झिल्ली यहाँ पर अनुपस्थित होती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और इसीलिए किस प्रकार की है कोशिका, यह है प्रोकैरियोटिक प्रकार की है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें राइबोसोम कौन से पाए जाते हैं, 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। बहुत ही छोटी इनकी क्या होती है साइज होती है, इनका आकार भी बहुत छोटा होता है, 1 से 5 माइक्रोमीटर इनका साइज होता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो एक कोशिका और उदाहरण क्या हो सकता है, ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जो है, नील हरित शैवाल अमीबा और साथ ही साथ पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया और युगलीना हो गया, ये सभी क्या है एक कोशिकीय प्रकार है, ठीक है। एक कोशिका का मतलब है कि एक ही शरीर है, एक ही कोशिका है और वही एक कोशिका है, सारे एक शरीर की भांति काम कर रही है, वही सारे फंक्शंस को क्या कर रही है वो निभा रही है, यानी कि रेस्पिरेशन भी कर रही है, एक्सक्रीशन भी कर रही है, वो सारे के सारे काम जो है वो एक ही कोशिका के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए हम उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, है ना। हम उन्हें जीव कह सकते हैं, चाहे वो एक कोशिकीय ही क्यों ना हो, हम उसे क्या करेंगे एक पूरा जीव कह सकते हैं। तो बैक्टीरिया को हम कैसे मानते हैं, एक जीव ही मानते हैं, ठीक है। अब अगर बहुकोशिकीय बात करें तो बहुकोशिकीय में आता है कि एक तो होता है कोशिकीय स्तर, बहुत सारी कोशिकाएं होती है तो मिलकर क्या बनाती है उत्तक स्तर, तो कुछ तो ऐसे एनिमल्स हैं जो कि उत्तक स्तर पे होते हैं, वो जैसे कि हाइड्रा है, कुछ होते हैं आम स्तर पे होते हैं, कुछ होते हैं जो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम के साथ साथ पूरा का पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये समझना है कि बहुकोशिकीय प्राणी वो होते हैं कि जिनके अंदर कोशिकाओं की संख्या एक से अधिक होती है, तो हम उसे क्या कहते हैं बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जितने भी यूकैरियोटिक हैं वो सभी के सभी क्या है बहुकोशिकीय हैं, है ना। यूकैरियोटिक के अंदर कौन से आ जाएंगे, प्रोटिस्टा आ जाएगा, फंजोई आ जाएगा, एनिमेलिया, आपने 5 जगत पढ़ा होगा, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़ करके फंजाई एनिमेलिया और प्लांटी जो है वो क्या है वो बहु कोशिकीय है, ठीक है। तो ये तो हो गया कोशिका की संख्या के आधार पर। अब हम बात करेंगे केंद्रक के आधार पर कि केंद्रक के आधार पर हम कोशिका को किस प्रकार से विभाजित कर सकते हैं या फिर हम उसको 2 कैटेगरी कैसे बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि कोशिका को हमने केंद्रक के आधार पर, केंद्रक के आधार पर हमने कोशिका को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो है प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक है यूकैरियोटिक, इसको हम कहते हैं असीम केंद्र की और इसे हम कहेंगे ससीम केंद्र। अंग्रेजी में नाम जब याद अच्छे से रहेंगे तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये दो कोशिकाएं हैं, हमने इसको कैसे कैटेगरी बनाई है, ये इस आधार पर बनी है कि प्रोकैरियोटिक, तो अगर हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो प्रो का मतलब होता है आदिम, ठीक है आदिम, और कैरियोटिक का मतलब होता है कैरियम का मतलब होता है केंद्र, यानी कि आदिम प्रकार का जिनमें केंद्र पाया जाता है, यानी कि प्रिमिटिव प्रकार का जिसके के अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक ना हो तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं के अंदर वो केंद्रक जो है, इन कोशिकाओं के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ है वो यानी कि डीएनए जो है
वो केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसीलिए केंद्रक झिल्ली से परिबद्ध नहीं होती। केंद्रक झिल्ली क्या होती है? कोशिका झिल्ली का ही प्रारूप है। कोशिका झिल्ली जो कि केंद्रक के चारों ओर उपस्थित हो तो उसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार के केंद्रक के बाहर कोई केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, वो कोशिका में कहीं भी पड़ा हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि वो कहीं भी स्थित हो सकता है, जल मतलब मिक्स रहता है कोशिका द्रव्य के साथ, घुला मिला सा रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि आदिम प्रकार का केंद्र। यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके अंदर यू का मतलब होता है ट्रू या फिर विकसित, विकसित प्रकार का, या फिर ट्रू यानी कि सत्य जिसके अंदर केंद्र पाया जाता है, एकदम सही प्रकार का केंद्र जो पाया जाता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। और इनका जो केंद्र होता है वो चारों ओर से झिल्ली से परिबद्ध रहता है, ठीक है, ये कोशिका है और इसका जो केंद्र है वो चारों ओर से कैसा है, केंद्र झिल्ली से परिबद्ध रहता है, इसलिए हम इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसी की ये तो है सब, ये तो हमने आधार बना दिया, लेकिन इसमें और भी अंतर देखने को मिलते हैं, जैसे कि केंद्रक झिल्ली यहां पर अनुपस्थित होती है। यहां केंद्रक झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है, ठीक है। यहां पर केंद्रक झिल्ली क्या होती है? अनुपस्थित होती है, वहां पर उपस्थित होती है। साथ ही साथ यहां पर कोशिकांग जो है, यहां पर कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है, और यहां पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं कोशिकांग, जैसे कि ईआर, गॉल्जी, लाइसोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये इत्यादि जो है ये सभी यहां पर उपस्थित अनुपस्थित होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यहां पर उपस्थित होते हैं। इनके पास राइबोसोम जो होता है उपस्थित होता है, राइबोसोम का जो भी प्रकार है 70S प्रकार का राइबोसोम यहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम जो है वो किस प्रकार का होता है? 80S प्रकार का राइबोसोम उपस्थित होता है। यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? और यहाँ पर जो डीएनए है, यहाँ पर डीएनए वर्तुल प्रकार वर्तुलाकार यानी कि सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है। साथ ही साथ कैसा रहता है? सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, एक रज्जु के रहता है, वर्तुल प्रकार का रहता है, और क्रोमोसोम की संख्या इनके अंदर गुणसूत्र जो है वो इसकी संख्या एक होती है, गुणसूत्र की संख्या कितनी हो गई? एक ही रहती है। और यहां पर क्या होता है? द्विरज्जुकीय होता है, रेखीय रेखीय डीएनए होता है और द्विरज्जुकीय होता है, क्या होता है? द्विरज्जुकीय होता है, रेखीय डीएनए होता है, और साथ ही साथ यहां पर गुणसूत्र की संख्या एक से अधिक होती है। क्रोमोसोम कैसे होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं एक से अधिक। इनमें अलैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक प्रकार का जनन, और यहां पर लैंगिक प्रकार का जनन पाया जाता है। इसके अगर उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण क्या होगा? इसका उदाहरण है कि बैक्टीरिया। यहां पर जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका भित्ति कैसी होती है? यहां की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई रहती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई रहती है। और यहां पर अगर यूकैरियोटिक कोशिका में, सभी में नहीं, यूकैरियोटिक की कौन सी हो जाती है? प्लांट एनिमल, ठीक है, और प्लांट के अंदर यानी कि पादप के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है, एनिमल में अनुपस्थित रहती है। तो जिनमें उपस्थित रहती है उनमें कोशिका भित्ति किससे बनी हुई रहती है? सेलुलोज व हेमी सेलुलोज से बनी हुई रहती है, हेमी सेलुलोज से बनी हुई रहती है, ठीक है। सो ये था
जनरल आइडिया अबाउट, जनरल आइडिया अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमने पढ़ लिया कि किस आधार पर हमने इसको प्रोकैरियोटिक कहा, किस आधार पर हमने इसको क्या कहा, यूकैरियोटिक कहा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल जो है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम बात कर चुके हैं, और यूकैरियोटिक सेल की अगर बात करें तो उसमें भी हम पढ़ेंगे पादप कोशिका के बारे में और जंतु कोशिका। अगर हम यहाँ पर देखें यूकैरियोटिक कोशिका और पादप और जंतु कोशिका में थोड़ा सा अगर हम देखें अंतर, कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में भी अंतर पाया जाता है। अगर यहाँ पर हम बनाएंगे पादप कोशिका और यहाँ बनाएंगे जंतु कोशिका, ठीक है, ये है कोशिका भित्ति। ये तीन प्रकार की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। पहले प्राथमिक, उसके अंदर द्वितीयक और फिर उसके भी अंदर तृतीयक।
ठीक है, तो ये है प्राथमिक, पहली, दूसरी और तीसरी, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। तो ये यहां पर स्थित होती है फर्स्ट, ठीक है। तो ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक जो है, जरूरी नहीं है कि सभी पादप कोशिकाओं में ये तीनों के तीनों भित्तियों के जो लेयर हैं पाए जाएं। प्राथमिक जो है वो सभी में ही, सभी प्लांट्स में, सभी पादपों में, पादपों की कोशिकाओं में उपस्थित होती है। द्वितीयक जो होती है, द्वितीयक के अंदर, द्वितीयक जो होती है वो केवल जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होती है, मेरिस्टमैटिक टिश्यू होती है जो लगातार विभाजित होती रहती है, उसको हम कहते हैं मेरिस्टमैटिक टिश्यू कहते हैं, जिसको हम कहते हैं विभ्रोस्तक, विभ्रोस्तक कोशिका में अनुपस्थित, उनमें ये द्वितीयक जो भित्ति है वो अनुपस्थित होती है। तृतीयक जो है ये केवल और केवल उच्च प्राणी, उच्च पादपों में, जैसे कि एंजियोस्पर्म में, उनकी सी ट्यूब्स में देखने को मिलेगी। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे, आप डिटेल में पढ़ेंगे बॉटनी वाली मैटर से कि ये इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, किससे मिलकर बना होता है। ये जो है सेल कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज से बनी हुई रहती है, अभी हम पढ़ चुके हैं, यानी सेलुलोज, पैक्टिन से बनी हुई रहती है। पैक्टिन किससे बनी हुई रहती है? पैक्टिन से बनी हुई रहती है। ये तीन कंपोनेंट्स हैं, इनसे बनी हुई रहती है ये कोशिका भित्ति। अब अगर हम कोशिका की आंतरिक संरचनाओं की बात करें तो इसको हम सबसे पहले यहां पर उपस्थित होता है, ये उपस्थित होता है वैक्यूल, जिसको हम कहते हैं आशय, और ये इसकी झिल्ली को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? इसकी झिल्ली को हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, और यहीं पर उपस्थित होता है केंद्रक। केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? केंद्रक दोहरी झिल्ली वाली युक्त, ये केंद्रक है दोहरी झिल्ली युक्त है, और बीच बीच में कहीं केंद्रक छिद्र, छिद्र भी पाए जाते हैं जिनको केंद्रक छिद्र बोलते हैं, न्यूक्लियोफोर कहते हैं। ठीक है, तो ये है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है क्रोमेटिन, डीएनए, ये है क्रोमेटिन, यानी कि डीएनए प्लस प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है? धागे नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं? धागे रूपी पैदावार होता है, इसको हम कहते हैं क्रोमेटिन कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर साथ ही साथ क्या उपस्थित होता है? यहीं से लगा हुआ रहता है कोशिका अंतःप्रद्वी जालिका। क्या रहती है? अंतःप्रद्वी जालिका, इसे हम कहते हैं पीआर, और इसके ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं, उन कण को हम कहते हैं राइबोसोम। यहाँ पर कुछ राइबोसोम लगे हुए रहते हैं। जब प्रोटीन का संश्लेषण होता है तो प्रोटीन बनाने वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं कोशिकाओं होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। और ये राइबोसोम कहाँ स्थित होते हैं? ईआर पर उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं आर, यानी कि रफ खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्वी जालिका, खुरदरी अंतःप्रद्वी जालिका। ठीक है, रफ ई आर, ठीक है। और ईआर दो प्रकार की होती है, एक होती है रफ ईआर और एक होती है एसईआर। एसईआर जो है वो कहीं इधर उधर पड़ी हुई रहती है, ठीक है, इसके साथ नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पर और उपस्थित होते हैं राइबोसोम, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। राइबोसोम यहाँ पर एटीएस प्रकार के रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्या उपस्थित होता है? प्लांट सेल है तो आपको पता ही होगा प्लास्टिड यहाँ पर उपस्थित होंगे, लवक जिनको हम कहते हैं,
ठीक है, ये क्या है और ये भी क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले यंत्र होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी इनमें उपस्थित होता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक। ये क्या है, हरित लवक, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसी के साथ साथ यहां पर क्या उपस्थित होते हैं, पेरोक्सिसोम के कुछ कण उपस्थित होते हैं। गॉल्जी बॉडी भी यहां पर उपस्थित होता है, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी काय। ठीक है, ये यहां पर बेसिक हमने पढ़ लिया है कि किस प्रकार की पादप कोशिका होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये हरित लवक हो गया, गॉल्जी बॉडी हो गया, ईआर हो गया। यहां पर क्या उपस्थित होता है, केंद्रिका, केंद्रक में क्या उपस्थित होगा, केंद्रिका उपस्थित होगा। इसकी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली कैसी होती है, दोहरी होती है। साथ ही साथ यहां पर क्या उपस्थित है, अंदर जो द्रव्य उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। ये जो यहाँ पर उपस्थित कोशिका के द्रव्य को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी होती है। साथ ही साथ वैक्यूल्स यहाँ पर स्थित है। और अब अगर हम बात करें आगे, प्लांट सेल हमने पढ़ ली, अब हम देखेंगे जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, ये झिल्ली है, इसे हम कहते हैं माइक्रो विलाय। उंगली नुमा संरचना है जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलाय। और ये किससे बने हुए हैं, ये कोशिका झिल्ली का ही रूपांतरित रूप है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाता है, उंगली नुमा संरचना बनाता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो विलाय। ये क्या करता है, ये अवशोषण के लिए सभी में नहीं पाया जाता है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, जब हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ये माइक्रोविलाय उपस्थित होते हैं और वो क्या करते हैं, अवशोषण के लिए, क्योंकि इनका कार्य क्या है, सतह प्रदान करना, अवशोषण के लिए सतह प्रदान करने के लिए कैसे हो जाते हैं, ये उंगली नुमा संरचना को धारण कर लेते हैं। तो कहते हैं अवशोषण के लिए क्या करते हैं, सतह प्रदान करती है। ठीक है, यह है कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये बीच में केंद्रक, केंद्रक कैसा है, मैम्ब्रेनस है, डबल मैम्ब्रेनस है। ठीक है, और कैसा है, ये केंद्रक छिद्र जिनको हम कहते हैं, ये केंद्रक द्रव्य है। और यहां पर ये केंद्रक के अंदर क्या उपस्थित है, क्रोमेटिन, इसे हमने कहा है क्रोमेटिन। और ये है केंद्रिका, यहाँ पर ये जो केंद्रक की जो परिधि होती है, ये बात ध्यान रखनी होगी और यहीं से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि जो केंद्रक की जो परिधि होती है वो किस प्रकार की होती है, परिधि पर जो डीएनए पाया जाता है वो किस प्रकार का होता है, यू क्रोमेटिन प्रकार का। किस प्रकार का, यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन का मतलब है, और जो बीच में स्थित होता है उसे हम कहते हैं हेटरोक्रोमेटिन। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन और हेटरोक्रोमेटिन। ये हमने किस आधार पर बनाया है, जब हम केंद्रक के बारे में पढ़ेंगे तब हमें वहां पर आसानी से और अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे कि हमने इसको हेटरोक्रोमेटिन क्यों कहा है और इसे यूक्रोमेटिन क्यों कहा है। यूक्रोमेटिन जो होता है ये सक्रिय डीएनए होता है। यूक्रोमेटिन का मतलब है कि ये
कार्यात्मक रूप से सक्रिय होता है, यानी कि यहाँ पर जीन्स जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, सक्रिय फॉर्म में रहते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। तो क्रोमेटिन क्या होते हैं? ये क्रियात्मक रूप से, कार्यात्मक रूप से अक्रिय होते हैं। क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं, ठीक है। और अब हम बात करें यहां पर ये तो है ER, और यहां पर भी कण उपस्थित रहते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बेसिकली यहां पर क्या उपस्थित है, यहां पर उपस्थित है केंद्र राइबोसोम, और ये राइबोसोम जो है प्रोटीन भी बना रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं। और ये प्रोटीन कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, ईआर के अंदर, ईआर के ल्यूमन के अंदर ये प्रोटीन जो है बन करके जा रहा है, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीक्रेटरी प्रोटीन, यानी कि स्रावित होने वाला प्रोटीन। आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ईआर के बारे में पढ़ेंगे। तो ईआर जो है दो प्रकार का है, एक तो जो खुरदरा ईआर है वो ये है, खुरदरा हम उसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर राइबोसोम जो होते हैं उपस्थित होते हैं, राइबोसोम की दोनों यूनिट जो होती है उपस्थित होती है, ठीक है। और जो कोशिका द्रव्य है उसमें राइबोसोम कैसे उपस्थित रहता है, उसमें वो इनएक्टिव फॉर्म में अलग अलग यूनिट्स में बिखरा हुआ रहता है, लेकिन जब प्रोटीन बना रहा होता है तब वो यूनिट्स दोनों पास पास आ जाती हैं। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, ईआर के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो क्या ईआर, और ईआर के बाद ईआर से जस्ट नीचे उपस्थित होता है गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी काय, क्या उपस्थित होता है, गॉल्जी काय, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या कार्य करता है। इसे हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, या फिर इसे हेडक्वार्टर भी कहते हैं। न्यूक्लियस जो है ये सारी क्रियाओं का क्या करता है, क्रियान्वयन करता है, चाहे वो प्लांट कोशिका हो चाहे वो एनिमल की कोशिका हो, क्या करता है, कंट्रोल करता है। और यहाँ पर उपस्थित होते हैं दोहरे झिल्ली युक्त, दोहरे झिल्ली से युक्त क्या उपस्थित होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या उपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लाइसोसोम भी यहां पर उपस्थित है, लाइसोसोम, सेंट्रियोल भी यहां पर उपस्थित होता है, सेंट्रियोल केंद्र के आसपास स्थित रहता है, ये इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। और गॉल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, राइबोसोम भी यहां पर बिखरे हुए रहते हैं। राइबोसोम किस प्रकार के पाए जाते हैं, एटीएस प्रकार के राइबोसोम इनमें देखने को मिलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर भी राइबोसोम उपस्थित रहता है, इसके अंदर भी डीएनए उपस्थित रहता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये है इसमें कुछ आशय वेसिकल्स होती है, बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। साथ ही साथ ये जो कोशिका है, इस कोशिका में भी ये कोशिका द्रव्य है, ये जो पूरी कोशिका है इसके अंदर कोशिका का क्या पाया जाता है, कंकाल पाया जाता है। कंकाल जो है हम पढ़ेंगे कि कोशिका कंकाल क्या रहता है, क्या होता है। कोशिका कंकाल जो है बहुत छोटे छोटे फाइब्रस जो होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, इस पूरे कोशिका में बिखरा हुआ रहता है। इसको सारे जितने भी ऑर्गेनल्स हैं उनको अपने स्थान पर बनाए रखने के लिए, और यहाँ पर जो भी प्रोटीन यहाँ पर बनता है, एंजाइम जो बनता है, जो भी खाद्य पदार्थ यहाँ पर इसका बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कार्य किया जाता है, वो कौन करता है, कोशिका कंकाल करता है। कोशिका कंकाल जो है ऐसा हम यहाँ पर नहीं बना सकते, बट ऐसे ही माइक्रो ट्यूब्यूल्स जिनको हम कहते हैं ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में, एक्टिन के फॉर्म में यहाँ पर क्या रहता है, जाल बिछा हुआ रहता है, जिसको हम कहते हैं कोशिका कंकाल कहते हैं, साइटोस्केलेटन कहते हैं। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, ये सब आपके आगे आएगा डिटेल में। अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर क्या डिफरेंस है। आप खुद अपनी नोटबुक में लिखेंगे कि इन दोनों के अंदर क्या अंतर है। जब भी हम
अंदर क्या अंतर है और मैं आपसे पूछूंगी।